बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे? बहुत खास है, मुझे किसी से तुलना नहीं करनी है। तुलना करते कि नहीं करते? तुलना करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि मेरा रोल बहुत महत्वपूर्ण और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहा हूँ तो अपनी वैल्यू को खुद कम कर रहे हो, समझ रहे? नहीं आ रहा समझ? आ रहा? तो हमें किसी से तुलना नहीं करनी है बोले। क्यों? क्योंकि सबका रोल अलग अलग और मेरा रोल सबसे महत्वपूर्ण है बोले। तो मुझे किसी से तुलना करके अपनी वैल्यू को कम नहीं करनी बोले, तो और कमजोरी आएगी। पहली बात तो तुलना करना ही रॉन्ग है बोले, समझ रहे? क्योंकि मैं अद्वितीय हूं और मेरा रोल बहुत महत्वपूर्ण और मैं किसी से तुलना कर रहा तो अपनी वैल्यू को खुद कम कर रहा हूं, उल्टा और कमजोरी आएगी। अगर मैं अपने को गरीब समझता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है बोले, और दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि इसके पास बहुत कुछ है, मकान है, गाड़ी है, जमीन है, और मेरे पास कुछ नहीं है, तो हीन भावना आएगी। क्या होगा? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, समझ रहे? पहले तो तुलना करना ही रॉन्ग है बोले, खुद हम अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं और तुलना करते तो और कमजोरी आती है, या तो हीन भावना आती या अभिमान आता, प्राउड हो जाता है। दूसरी तरह से तुलना करते कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास इतना धन है, ये है वो है, और दूसरे को देखते किसके पास कुछ नहीं है तो अभिमान पैदा होता, समझ रहे? और ये तुलना करने से पैदा होते। तो आप सब क्या सीखेंगे? हमें किसी से तुलना नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरा रोल सबसे महत्वपूर्ण है, खास है, और मैं खुद अद्वितीय हूं, तो मुझे किसी से तुलना नहीं करनी, भले हम कैसे भी स्थिति में हैं। हमें उसको पुरुषार्थ से बदलना है, सुधारना है, पर कोई से तुलना नहीं करनी। आप लोग गणित पढ़ते? एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। अंक आपस में खेल रहे थे, अंक समझते? जीरो से नौ तक अंक आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते देखा कि उसमें से एक अंक नहीं खेल रहा बोले। आप लोग बताएंगे कौन नहीं खेल रहा होगा? जीरो बोले। जीरो क्यों नहीं खेल रहा होगा? जोर से आवाज आनी चाहिए मेरे तो। क्यों नहीं खेल रहा होगा जीरो? सबसे अलग हूँ। और पीछे तक आवाज आ रही? जीरो क्यों नहीं खेल रहा है? क्लियर आवाज आ रही पीछे तक? हाँ, वो समझता है मेरी कोई वैल्यू नहीं। और हाँ, और बताते तो खेलते खेलते देखा कि ये खेल नहीं रहा, तो एक अंक उसके नजदीक आया, वो एक कोने में बैठा हुआ था। जब नजदीक गया, मैं तो हूँ ही जीरो, जीरो माना मेरी कोई गया, तो पूछता कि कैसे? तभी एक अंक उसको अपने साथ बिठाता है। क्या करता है? तो क्या हुआ? एक और जीरो रखा तो, एक और जीरो रखा तो,
ये देखकर जीरो को नहीं, ये आप लोग जानते हो अच्छी तरह से गणित में कि अंक के बिना जीरो की वैल्यू बहुत कम होती है और जब अंक का साथ मिलता तो वैल्यू बढ़ जाती, अंक का साथ मिलता तो वैल्यू बढ़ जाती और हर बार जीरो रखते तो और वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसे आप समझ रहे कि हम अद्वितीय है, विशेष है, पर हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी? चुपचाप नहीं बैठना, फटाफट जवाब, हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी? यहाँ जीरो की देखी, जीरो की वैल्यू बढ़ती, आप लोग जवाब नहीं दे रहे। सब एक साथ है ये तो हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी? सब एक साथ होंगे, सब एक साथ होंगे, एकता, हाँ एकता, हाँ और बोलिए, हमारे साथ कोई होगा, हाँ पीछे खड़े हो तब तक तो आपकी वैल्यू बड़ी रहेगी, आप उससे आगे निकलने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप? तो हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी? हम विशेष है, हमारा रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी? कोई विशेष हमारे साथ होगा क्या? विशेष आना जरूरी है, बड़ा तो बहुत सारा, हाँ तुलना वो लंगड़ा है या गुंगा है तो भी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? ये प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है और उनका नजदीक का संबंधी होना बहुत महत्वपूर्ण है, वैल्यू उसके कारण बढ़ जाती है, जितना बड़ा पद हो, पोजीशन हो। तो ये तो एक लिमिट तक, ये तो एक लिमिट तक होता है। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन? आप लोग जवाब नहीं देते। भगवान, उनसे बड़ा कोई है? वो भगवान से बड़ा कोई और हो सकता है? तो सबसे बड़ा भगवान। ये जो 1000 लिखा है ये फार्मूला है भाग्य बनाने का, अभी बहुत थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? कभी आके मौका मिला तो और बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ। तो ये एक है भगवान, क्या है? जैसे जीरो की वैल्यू कब बढ़ी? जब अंक का साथ मिला, समझ रहे? ऐसे हम भगवान को हमारे साथ रखते हैं, भगवान ना बढ़ गई, 10 गुना हो गई उसकी वैल्यू, फिर एक और जीरो तो 10 का 100 हो गया, 10 गुना फिर बढ़ गए, और ऐसे हर बार बढ़ती जाती है। हम भगवान से संबंध जोड़ते, हमारे साथ भगवान को रखते तो हमारी वैल्यू कितना गुना बढ़ेगी? जवाब ही नहीं देते आप लोग, फटाफट जवाब दो। हैं कितना गुना बढ़ेगी? कोई नहीं जवाब दिया। सर्वशक्तिवान, क्या है? सर्वोच्च भी है और उनसे हम, उनको हम अपने साथ रखते तो हमारी वैल्यू कितना गुना? उन्होंने बताया 1000 गुना, किसी का जवाब नहीं आया, उनको
बहुत है पर अभी वो नहीं बता रहे, समझ रहे? आप लोग लाख करोड़ तक अरब तक भी जानते होंगे, जानते हैं? उससे ये बहुत बड़ी संख्या है पदम। तो भगवान को हम अपना अपने साथ रखते तो हमारी वैल्यू पदम गुना बढ़ती है। कितनी? जैसे जीरो की 10 बढ़ी और हर बार 10 गुना बढ़ती जाती है। हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं अपने साथ रखते तो हमारी वैल्यू पदम गुना बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत नहीं बोल। समझ रहे कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? इतनी जबरदस्त हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतने उससे भी ज्यादा बोलो पदम गुना बोलो, केवल संबंध रखने से पदम गुना वैल्यू बढ़ जाती। समझ रहे? क्योंकि भगवान बहुत ऊंची हस्ती है, सर्वोच्च पावर है, सुप्रीम है और सर्वशक्तिवान है। तो उनसे हम संबंध जोड़ते थे हमारी पदम गुना वैल्यू बढ़ जाती है केवल संबंध रखने से। फिर ये जीरो, ये हम हैं। क्या है हम? सभी समझ रहे जीरो हम क्या है? हम क्या है? सभी जीरो समझते? फिर सीरी लाते, चलो क्लियर करते इसको। मानव कहलाते, क्या कहलाते? हम क्या है? अब मानव के अपन टुकड़े करते हैं, दो टुकड़े। कौन कौन से होंगे? नहीं, संधि विच्छेद नहीं करना, तलवार से भी नहीं काटना आपने किसी। नहीं, मेल भी मानव है, फीमेल भी मानव है, वो टुकड़े नहीं हुए। आत्मा और शरीर। हाँ, एक आत्मा दूसरा। हम मानव है ऊपर मानव के हमने दो टुकड़े किए तो कौन कौन से आए? इसमें से केवल शरीर मानव नहीं कहलाएगा, आत्मा नहीं होगी वो मानव नहीं कहलाएगा, समझ रहे? वो डेड बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती वो? डेड बॉडी। और शरीर को छोड़ देते और केवल आत्मा होते तो वो भी मानव नहीं। दो चीज मिलकर मानव बना, दो चीज मिलकर। समझ रहे? अब दो में से मैं क्या हूं? दोनों में से मैं क्या हूं? मानव है पर मानव के अपन ने टुकड़े किए। अब इनको देखो, ऊपर नहीं देखना। इन दो में से मैं क्या हूं? शरीर। दूसरा? हाँ, उधर शरीर भी बोल रहे। दो जवाब आ रहे, सब जवाब दो, मतलब चुपचाप नहीं बैठना। दोनों मिलाकर तो मानव बने, समझ रहे? दोनों मिलकर मानव बने पर मानव के हमने टुकड़े किए अलग अलग, तो दो टुकड़े आए, एक आत्मा दूसरा। जवाब नहीं देते आप लोग। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, जवाब दो, खुलकर जवाब। मैं हाथ हूँ, मेरा हाथ है, मैं हाथ हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। क्लियर हो पीछे तक? हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ। यह हाथ एक अंग है, ऐसे सभी अंगों को मिलाया तो
शरीर बना, सभी अंगों को मिलाया तो शरीर बना। तो हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ, तो शरीर भी मेरा है, मैं शरीर हूँ। सबका जवाब नहीं आता। हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं हूँ, तो मैं हाथ से अलग हूँ। तो हाथ एक अंग है, ऐसे सभी अंगों को मिलाया तो शरीर बना, तो शरीर भी मेरा है, शरीर भी मैं शरीर नहीं हूँ। क्लियर हुआ? पीछे जवाब नहीं देते पीछे वाले। शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। चैतन्य समझते? प्रकृति में दो ही चीजें हैं, या तो सजीव या क्या? हाँ, सजीव और निर्जीव। हम तीसरी चीज है, हम क्या है? प्रकृति में दो ही चीज है, सजीव और निर्जीव, पर हम तीसरी चीज है। समझ रहे? प्रकृति में दो ही चीज है, सजीव और निर्जीव, पर हम दोनों नहीं है, न सजीव है न क्या है, हम चैतन्य है। क्या है? चैतन्य शक्ति। चेतन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? मैं क्या हूँ बोलो? चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। चैतन्य शक्ति, मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छी तरह से पाठ पक्का करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। कैसे हूँ? कैसे हूँ? देखने में कैसे हो? शरीर मेरा है, ये क्या है? सजीव है, पर मैं सजीव मैं कैसे हूँ? चैतन्य शक्ति। सजीव नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? चैतन्य शक्ति आत्मा। कैसे हूँ? कैसे हूँ? देखने में कैसे हूँ? सजीव शरीर है मैं। हाँ, उसको क्लियर करेंगे बाद में, ध्यान देना। हाँ देखो कितना अच्छा जवाब दे रहा हूँ, दो बार जवाब देता हूँ मैं। आप लोग ने जवाब दे रहे, वो छोटा सा दे जवाब दे रहे। हाँ बताओ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, तो कैसी हूँ, उसका रूप कैसा है? शरीर बड़ा लंबा चौड़ा है, पर अभी समझा नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो कैसी हूँ मैं? अलौकिक बनाना है। अभी हम लौकिक में है, तो लौकिक को अलौकिक करना है, वो ठीक है। अच्छा जवाब दिया। तो उसका रूप हम पूछ रहे, रूप के साथ आप लोग जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर नहीं देखना है। जो इधर उधर देख रहे ने, वो पाठ पक्का नहीं किया कि मैं अद्वितीय हूँ। समझ रहे? शाश्वत है सर, आत्मा शाश्वत है। हाँ शाश्वत है, वो भी ठीक है। शाश्वत रूप पूछ रहा हूँ, वो कैसी है? शाश्वत है, आपने अच्छा जवाब दिया। हाँ हमारा प्रश्न क्या है? मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, पर कैसी हूँ, रूप कैसा है उसका? निराकार। हाँ अच्छा जवाब। निराकार का अर्थ समझते हैं सभी? किसने जवाब दिया? निराकार समझते हैं? निराकार किसको कहते हैं?
चलो आज इसको अपन गणित में या विज्ञान में समझते। निराकार उन्होंने जवाब दिया, पर निराकार है क्या, किसको कहते निराकार? गणित में बिंदु है, बिंदु भी निराकार है, बिंदु भी समझ रहे, बिंदु भी क्या है, निराकार है। या अणु परमाणु कहते हैं, जानते हैं अणु परमाणु है? वो भी निराकार है, क्या है, समझ रहे। आत्मा भी निराकार है, माना बहुत सूक्ष्म है, क्या है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं तो कैसे हूं, बहुत बारीक, बहुत बारीक सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु परमाणु से भी बारीक, समझ रहे। जो अणु परमाणु को जानते होंगे उनको आंखों से नहीं देख सकते, बारीक होता है, पर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आत्मा को किसी यंत्र से भी नहीं देख सकते, इतनी सूक्ष्म, अणु परमाणु से भी, समझ रहे। मैं वो शक्ति हूँ, सूक्ष्म शक्ति हूँ। कैसी हूं मैं आत्मा, सभी समझ रहे, मैं क्या हूं, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, क्या हूं मैं, चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग, क्या हूं, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। कैसी हूं, चैतन्य शक्ति आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, कैसे हो, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। ये अनुभव करना, जितना चिंतन करेंगे वो अनुभव होगा, समझ रहे, क्या है, हाँ, चैतन्य शक्ति आत्मा, और कैसी है, ज्योति बिंदु। कहाँ है इस शरीर में, इस शरीर में कहाँ है आत्मा,